हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल डीजे व्लॉगर। आई होप गाइस आप घर पे अपने अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आई बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर अ लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी इन माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी इसी महीने मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर मैं जम के और एक मोटिवेशन मिल जाएगा वीडियोज़ बनाने में। और आज की वीडियोज़ है इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में। तो मैंने बहुत पहले 2 से 3 महीने 4 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने दिया था, मेरे जैसे अभी जिसने MBA पास आउट किया है कैंपस इंटरव्यू वाले भी और बहुत से अदर कंपनीज में हैं तो उनने भी स्विच किया है। तो मुझे उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे समझा क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, सो दैट मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बता दूँ कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या है आदित्य बिरला ग्रुप का किसी भी इस पेंट इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग के लिए। नंबर वन पॉइंट है, मेरे जितने भी फ्रेंड है उन्हें ये मेंशन किया है कि अगर ब्रदर कैंपस इंटरव्यू हो रहा है तो वो कैंपस से उठा रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है जैसे बिना फ्रेशर जो हैं उनको कंपनी जैसे आके कैंपस इंटरव्यूज उठा रही है और परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, वो डिपेंड करता है उनको क्या फीजिबिलिटी है। 60-70% ये कंसिडर कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उसको भी डाउट था तो मैंने एक पॉइंट था। और बाकी इंटरव्यू प्रोसेस Level 1, Level 2 फिर Level 3 करके जो मैं आपको भी शेयर करूंगा। सैलरी नेगोशिएशन फिक्स्ड है, उन लोग का अराउंड 6 से 6.25 लाख दे रहे थे TSM के लिए और 4 से 4.25 लाख दे रहे थे TSC के लिए, टेरिटोरियल एग्जीक्यूटिव, और जो TSM के लिए टेरिटोरियल मैनेजर। तो मैं आज आपको बताऊंगा इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या होता है। टिल दैट टाइम वॉच फॉर फुल वीडियो एंड एंजॉय। सो गाइस, ये मैं नॉर्मल ऐसा कवर कर रहा हूँ जिसमें क्या क्या चीज़ें स्टेजेस होती है, जैसे कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी आइडिया हो जाएगा और जो इंटरव्यू स्विच करने के जाने जाले हैं या फिर अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनको डाउट है कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होगा, तो उनके लिए ओवरऑल वीडियो है ये। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा जो आपके डाउट्स हैं। ठीक है, Level 1 जैसे कि कभी भी अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड इंटरव्यू या तो आप HR को कनेक्ट करें, ठीक है, कि लाइक आई वॉन्ट टू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस कंपनी लाइंग फॉर अप्लाई दिस पोजिशन फॉर विच लोकेशन, ये आप अपना इनपुट दोगे। या फिर कभी कभी आप पूछते हो सर आई एम इंटरेस्ट लाइक मैम आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर दिस पोजिशन एंड विच प्रेफर्ड लोकेशन यू आर लुकिंग फॉर, तो एक आपका इनपुट होगा, वहाँ से वो ऑप्शन देगी डैट वी आर गिविंग दिस लोकेशन, आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब और इंटरेस्टेड इन दिस लोकेशन, सो टेल मी सो वी विल शेड्यूल इंटरव्यू। अगर आपकी CV शॉर्टलिस्टेड होगी तब ये डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो आपकी CV मांगेगी, ठीक है, तो रिज्यूमे लेके आपको देखेगी कि आपकी क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, फ्रेशर है कि नहीं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पेंट इंडस्ट्री से ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का तो वो कंसिडर कर लेंगे। बस ये आपको जिम्मेदारी है कि आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने की हैं उनको प्रूव करना है कि डैट आई विल बी फिट फॉर दिस रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 80% केस में ये नहीं ले रहे हैं, बट अगर आप पास अच्छा खासा कन्विंसिंग स्किल है आप बता सकते हैं कि नहीं नहीं आप प्लीज शेड्यूल इंटरव्यू आई विल मैनेज, तो वो आपके ऊपर है मैनेज करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर ये पास आउट हो जाएगा तो आपका एक CV शॉर्टलिस्टेड हो जाएगी। तो Level 1 आपके HR आपसे पूछेगा नॉर्मल चीज़ें कि लाइक तरुण व्हाट यू हैव, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ सनी करके पर्सन है, वो उनसे पूछेंगे सनी आपकी एजुकेशन क्या है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, जैसे टेलीकॉलिंग पे आपका शॉर्ट इंटरव्यू होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, कि इंटरेस्टेड है, आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये रोल है, क्या आप इस लोकेशन के लिए, फर्स्ट पार्ट उसका ये होगा, रोल पूछेगी कि आप किस रोल के अप्लाई करो, आपको इंटरेस्टेड हो हम लोग ये ऑफर, या फिर वो पूरा डीप आपको बताएगी दैट वी आर ऑफरिंग दिस रोल टू यू इन विद दिस लोकेशन। और मैं ये बता दूँ कंपनी की एक डायरेक्ट पार्टी भी है और थर्ड पार्टीज भी बहुत हैं जो हायर कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, तो मैनेजमेंट करके कई इनकी चल रहे हैं थर्ड पार्टी, वो भी हायर कर रहे हैं, इनका काम है कंपनी के लिए हायर करना और उनको देना, तो आप जी समझ लेना कि कौन है। ठीक है, और ये पार्ट हो जाएगा जब वो सारी इन्फॉर्म कर देगी, तो आप कोशिश करिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लोकेशन को ना सोचें, 1-2 साल करके अपनी जॉब, फिर अगर आप जॉब नहीं मिल रही है तो फिर वहीं आप अप्लाई करके अभी 1 साल करके एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर सके ट्रांसफर के, विदाउट जॉब तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन आप ट्रांसफर मांग सकते हैं कि लाइक मुझे इंटरेस्टेड ही है, तब तक आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, हो सकता है अदर कंपनी के भी ऑफर आए। तो Part 1 ये है जिसमें आपका लेवल डिस्कशन HR से होगा कि वो आपको बताएगी सारी जॉब से रिलेटेड, फिर आपसे वो अगर आप क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, देन आप सेकेंड पार्ट में आपका होगा इंटरव्यू। सेकेंड Level 2 में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू होगा, चीज़ें सारी चीज़ पेंट से रिलेटेड समझ लेना, पढ़ लेना क्या क्या आप करंट कंपनी में कर रहे हो, उससे कोशिश करना जो कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी रिलेटेड सारी चीज़ें को रिलेट करना, रेजोनेट करना, जिससे कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप वो उसको ये नहीं जता पाओगे कि कंपनी के बारे में आप सब कुछ
अवेयर हो और सारी चीज़ें मुझे पता है, तो सारी चीज़ को स्कीम डिस्कशन, ट्रैवल डिस्कशन और डीलर से कनेक्ट और नॉर्मल मल्टीपल्स ट्रैवल टाइम है, एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग, ये सारी चीज़ आपको प्रीवियस जॉब के से कोरिलेट करके इसे बताना होगा। और वो आपके पेंट पेंट का कवरेज, पेंट से रिलेटेड पूछेगा, पेंट में क्या क्या ऑप्शन है, या हमने रिसेंटली कौन सा लॉन्च किया, मैंने अभी वीडियोज़ भी डाली है उसमें क्या क्या रिसेंटली लॉन्चिंग हम लोगों ने शेयर किया है, इनका लाइक इकोनॉमी में है, प्रीमियम है, लग्जरी में क्या नाम है, लग्जरी में स्टाइल वन है और प्रीमियम में कैलिस्टा है और इकोनॉमी में स्टाइल है, तो ये प्रोडक्ट की नॉलेज है। वुड फिनिश में ऑल ड्राई है और वुड और ऑल करके इनका स्मार्ट केयर का है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है वो है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पेंट क्राफ्ट इनका वो इंडस्ट्री का वो है, वो सर पेंटिंग सर्विस, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेवल टू में ये आपको जांचेंगे परखेंगे, जब आप ये क्लियर हो जाएगा तो लेवल थ्री में आपका दूसरा राउंड इंटरव्यू होगा जिसमें आपका मेन हेड कोई लेगा, तो उसमें भी सारी चीज़ें पेंट से रिलेटेड होगा, क्या जॉब के लिए फिट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस क्या है, सैलरी डिस्कशन आपसे पूछेंगे, करेंटली आप इतना पाते थे अभी आपको इतना मिल रहा है, या आप कितना टाइम दे पाओगे आपको, हम लोग कही अभी एकदम नई कंपनी है, क्या आपको लगता है आप इस पर फिट रहोगे, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करने लिए, क्वेश्चन चैलेंजेस डेट यू आर फेस, मैंने एक क्वेश्चन भी आपकी वीडियो डाली थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस, वो अगर आप वो पढ़ लोगे तो आप डेफिनेट इसका आंसर आप खुद लिख के कॉपी में करोगे तो आपको हो जाएगा। मैं इस लिंक में वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो मैंने 8 लिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, जो आप लोगों के लिए अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपका सिंपल कोई भी इंटरव्यू होगा वो क्रैक हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे एमसीक्यू का कोई नहीं, जैसे हमारे एशियन पेंट में था एमसीक्यू राउंड भी होता है, वो एमसीक्यू राउंड यहाँ पे नहीं है, 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा समझ लीजिएगा आपका हो गया। कोशिश करिएगा प्रेफर्ड लोकेशन के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कर ले, तो उसमें ऑप्शन आपके बढ़ जाएंगे। बाकी आपको और कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो मुझसे पूछिएगा। देखिए इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं है, नई कंपनी है, अभी रिसेंटली लोगों हायर कर रही, इतना डिटेल में नहीं जा रही है, आप प्रेफर करो कर लो, अभी 3 से 4 महीने आपका निवन पीरियड होगा तो आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी कोई और जानकारी चाहिए हो तो मुझे लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके नीचे बताएं। बाकी एशियन पेंट से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें थी ऑलमोस्ट कवर कर ली, अब आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो कवर करूंगा। टिल दैट टाइम अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें और ढेर सारी वीडियो लोगों से बोले देखे, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो करे। बाय बाय गाइस।